मूवी रिव्यू हॉट ऑफ स्टोन एक्टर गैल गैडोट जमी डोर्नन आलिया भट्ट सोफी ओकोनेडो मैथियस श्वेगोफा डायरेक्टर टॉम हापा प्रियंका चोपड़ा स्टारा सिटाडेल और टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकनिंग पार्ट वन में हाल ही हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी हॉट ऑफ स्टोन से समानता है, लेकिन क्या फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस इसकी कहानी और स्टंट इस कमी की भरपाई करते हैं? कुछ हद तक हाँ, लेकिन यह इतना भी नहीं कि आप स्क्रीन से चिपके रहें। नेटफ्लिक्स ने भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखकर ही आलिया भट्ट को इस फिल्म में लिया है, क्योंकि भारत में इंटरनेट सस्ता है और दर्शक ज्यादा। आलिया भट्ट अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म में 22 साल की किया के किरदार में कुछ खोई हुई और घबराई हुई लगती हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी किसी न्यूकमर जैसी लगती है, कहीं से नहीं लगता कि आलिया एक जासूस है। डायलॉग बोलने का अंदाज बिल्कुल किसी स्कूल नाटक स्तर जैसा, बहुत ही बोरिंग और खराब। गैल गैडोट इस फिल्म की वंडर वुमन है। वो इस महिला प्रधान जासूसी थ्रिलर को अपने कंधों पर संभालने की पूरी कोशिश करती हैं। उनकी एथलीट जैसी काया इस किरदार में उनकी मदद करती है। गैल गैडोट का किरदार रेचल इतनी बहादुर, नैतिक और अपने काम में कुशल है कि वो टॉम क्रूज के एथन हंट के साथ टीम बना सकती है, लेकिन अफसोस कि यहाँ एक सुस्त कहानी के कारण वो हार जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिल्म की शुरुआत में एक बढ़िया टोन सेट होता है, लेकिन आगे बढ़ते ही यह फिसलने लगती है। जल्द ही आपको एहसास होने लगता है कि यह औसत दर्जे की फिल्म है। टॉम हापा की कहानी में मुख्य कलाकारों की तिकड़ी है, लेकिन वो इनके बीच केमिस्ट्री बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। जमी डोर्नन की एक्टिंग बहुत साधारण है, विलेन बनने की भरसक कोशिश करी है किंतु प्रभाव नहीं पड़ता है। हॉट ऑफ स्टोन ऐसे समय में रिलीज हुई है जब हमने हाल ही में कुछ बेहतरीन जासूसी एक्शन थ्रिलर देखी हैं। ऐसे में ये फिल्म उनकी तुलना में फीकी लगती है। हालांकि लिस्बन और आइसलैंड में फिल्माए गए एक्शन सीक्वेंस देखने लायक हैं, लेकिन इसके अलावा आप कैरेक्टर्स या उनकी अतीत की कहानियों में न तो रोमांचित होते हैं और न ही उत्साहित। कहानी में जो दिखता है यह उससे कहीं अधिक है, क्योंकि कोई सच नहीं बता रहा है। इस फिल्म में महिला किरदार घनघोर एक्शन करती हैं। उन्हें जीतने के लिए गंदा खेलने की जरूरत महसूस नहीं होती। फिल्म का प्लॉट दिलचस्प है। लंदन, आइसलैंड, पुर्तगाल और इटली में फिल्माई गई यह जासूसी थ्रिलर फिल्म गुप्त उद्देश्यों, धोखेबाजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और एक ग्लोबल स्पाई एजेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी एजेंसी जो किसी भी देश या राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी नहीं है। ये प्लॉट बहुत हद तक आपको जाना पहचाना लग सकता है। कुल मिलाकर फिल्म की कहानी बहुत ही सपाट है, एक्शन सीन साधारण है, जाने पहचाने मोड़ आते हैं और उदासीनता और ऊब होती है। फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको याद रहे। हमारी तरफ से तो ये फिल्म फ्लॉप है और 1 स्टार रेटिंग। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।